नमस्कार, टाइम फैक्ट्स न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सूरज कुमार। बिहार सरकार गृह विभाग के द्वारा जारी निर्देश के आलोक में लॉकडाउन को एक बार फिर से विस्तारित कर दिया गया है। वहीं लॉकडाउन में 17 अगस्त से 6 सितंबर तक यह लागू रहेगा। वहीं सरकार द्वारा लॉकडाउन बढ़ाए जाने की घोषणा के साथ साथ यह भी बताया गया है कि रात्रि कर्फ्यू रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक पूर्णतः लागू रहेगा। इस संदर्भ में जिला पदाधिकारी अमन समीर के द्वारा दुकानों को खोले जाने के संदर्भ में जारी दिशा निर्देशों में कुछ बदलाव किए गए हैं। वहीं बताया गया है कि प्रशासन द्वारा बार बार व्यवसायियों को बड़ी छूट दी गई है। वहीं अब कुछ दुकानों को प्रतिदिन तथा कुछ को अलग अलग दिन तथा अलग अलग समयावधि पर खोले जाने का प्रावधान किया गया है। तो ये देखिए इसकी पूरी खबर बक्सर जिले से। उसमें मैक्सिमम जो गया है तो 25 पंचायत हम लोगों का अफेक्टेड हुआ है। उस 25 पंचायत में कौन कौन से वार्ड अफेक्टेड हुए हैं उसका सूची बनाया जा रहा है और इस सूची को हम लोग जो है सीएस को हम लोग दे रहे हैं और यहाँ पर हम लोग एक्सटेंसिव टेस्टिंग करा रहे हैं कि बाढ़ अगर मान लीजिए सितम्बर में कहीं अगर पानी घुसने की संभावना हो तो उससे पहले हम लोग 31 अगस्त तक सभी जो बाढ़ प्रबंध जो हम लोगों के जो पंचायत या वार्ड हुए उसकी हम लोग एक्सटेंसिव ग्रुप में टेस्टिंग करा रहे हैं ताकि जो हमारे जो कर्मी हैं वो जो जाएँ तो वो फ्री होकर जाएँ कि यहाँ पे संक्रमण नहीं है और निर्धारित वो काम कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए हम लोग उस पंचायत में प्रायोरिटी बेसिस पर टेस्टिंग करा रहे हैं जो हम लोगों का कल से वो टेस्टिंग शुरू हो जाएगा और 31 तारीख तक हम लोगों को उसको टेस्टिंग को करना है। सर, बाढ़ को लेकर नौका अस्पताल का भी निर्माण करने के लिए दिया गया प्रशासन नहीं, वर्तमान में अभी नौका अस्पताल की जो जरूरत अगर हम करेंगे तो हम लोग करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिस परिस्थिति में जो हम बाढ़ का यहाँ प्रॉब्लम किए हैं इतनी आवश्यकता शायद यहाँ पर नहीं पड़े, लेकिन अगर पड़ेगी तो हम लोग इसलिए चल रहे हैं। लोगों को ये मोटिवेट किया गया था और जो भी पॉजिटिव मरीज हैं उनसे भी हम लोगों का बातचीत उन लोगों की होती रहती है तो उससे लोगों का एक मनोबल बना रहता है। और सिर्फ ये कोरोना का ही किसी भी बीमारी में जब आपका मनोबल ऊँचा रहता है तो आप जल्दी स्वस्थ होते हैं, इसमें किसी तरह का कोई दो राय नहीं। प्लाज्मा जो डोनेशन का स्थिति है हम लोग कुल अभी तक 11 लोग भेज चुके हैं, 4 लोगों का जो बाद में गया उसका सम्मानित हम लोगों को करना बाकी है, रेस्ट हम लोगों ने सम्मानित कर दिया है। दुकान का जो है उसमें सिर्फ शॉपिंग मॉल को हम लोग अलाउ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, शॉपिंग मॉल्स का मतलब बहुत मल्टी ब्रांड टाइप का जो स्टोर होगा उसमें ना हो, कोई स्टैंड अलोन जैसे कल भी एक पिक्चर पे आया था जिन्होंने एक जैसे वैन हुसैन या किसी दुकान का कोई किसी ने भेजा था और दोनों को पता नहीं उसमें 44 है, बाकी मल्टी कुछ चीज़ें हैं और 744 में से 575 जो है होम आइसोलेशन में है, हम लोगों के इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन में है 172 है। ये वर्तमान में दुकान या छोटे दुकान मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं सर, ऐसे में सर थोड़ा सा ये नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा शुरुआती दौर में कुछ हद तक ऐसा था लेकिन जब मास्क को लेकर लगातार अभियान चलाया गया था तो परसेंटेज काफ़ी सुधार हुआ और अभी भी काफ़ी हद तक देखने को मिल रहा है कुछ लोग जो लगातार बोलने पर या कार्रवाई करने के बावजूद नहीं मान रहे हैं तो उनके अगेंस्ट सख्ती बरती जा रही है। द्वारा किया गया तो इसी क्रम में ये जो है जुर्माना वसूली का जो अभियान चलता है इसी क्रम में तो ये आगे भी जारी रहेगा। अभी 3 साल के बाद